हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग कवर करेंगे जो फुटबॉल का मैच खेले जाने वाला है, इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच जो होने वाला है बेल्जियम वर्सेस क्रोएटिया के बीच में। ठीक है, तो गाइस इंटरनेशनल अभी जो यूरो चैंपियनशिप चालू होने वाली है तो उससे पहले ये फ्रेंडली मैचेस अभी जो चालू है जो ड्रीम इलेवन ने ऐड किए। तो सबसे पहली बात आपको कहूँगा मैं गाइस, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे जो यूट्यूब चैनल को अभी ये विजिट कर रहे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो बेल आइकॉन है आपके राइट कॉर्नर में बॉटम में आपको दिखेगा उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है। इसका रीज़न ये है कि मैं डेली क्रिकेट बास्केटबॉल और फुटबॉल के वीडियोस डालता हूँ, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के स्टैट्स प्रॉपर लाइनअप प्लस इंजरी न्यूज़ सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियोज़ के टाइम टू टाइम आने चाहिए, इसलिए आपको वीडियो जो यूट्यूब पर डालूंगा मैं सब्सक्राइब करना है चैनल को और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको मेरी प्रोबेबल टीम बताऊंगा, लेकिन फाइनल टीम जो आएगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी जब कंफर्म लाइनअप आएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन करके, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो। ठीक है, तो सीधा बात करते हैं बेल्जियम वर्सेस क्रोएटिया इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच जो मेरा प्रोबेबल टीम होने वाला है उसके बारे में। गोलकीपर सेक्शन से मैंने ट्राई किया है टी कोटियोस को। ठीक है, तो कोटियोस बहुत अच्छा गोलकीपर सेक्शन में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। मोस्टली जो बेल्जियम का टीम है ये मैच विन करेगा, इसलिए मैं बेल्जियम के फेवर में टीम बना रहा हूँ। अगर बेल्जियम की बात करेंगे तो लास्ट के चार मैच ये लोग जो खेले तो चार में से ये लोग ने दो में विन किए गाइस और दो मैच ड्रॉ किए। ठीक है, और क्रोएटिया की अगर बात करेंगे तो लास्ट के फोर मैच जो ये लोग ने प्लेड किए उसमें से उसको दो में जीत मिली थी, एक मैच उसने ड्रॉ किया था प्लस एक मैच में उसको हार मिली थी। ठीक है, तो मोस्टली दोनों टीमें ये जो मैच है उसमें स्कोर कर सकती है। तो देखते हैं, डिफेंडर सेक्शन में लिया है टी एल्ड्रोइड को, विडा को लिया है मैंने, जे वटोंगियन को लिया है, बाद में टी कैलेडा कार को लिया है। ठीक है, मिडफील्डर सेक्शन से मैंने पिक किया है मॉड्रिक पेरिसिच और वाइट टेलमंस। गाइज केडी ब्रून आपको सबको मालूम ही है, बहुत बढ़िया पिक है फुटबॉल के जो हम लोग बोलते हैं फुटबॉल जो खेलते हैं सबको मालूम ही है। तो केडी ब्रून मोस्टली ये मैच मिस कर सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच है गाइज, तो जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो लोग को रेस्ट दिया जाता है। तो अगर केडी ब्रून खेलते हैं तो आपके लिए ये मस्ट पिक होंगे और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। पिलर के लिए मैंने पिक किया वाइट टेलमंस को, स्ट्राइकर से मैंने पिक किया फॉरवर्ड सेक्शन से लुका को, मस्ट पिक आज के मैच के लिए क्रैमेरिक को मैंने पिक किया और थर्ड मैंने पिक किया है ट्रोसार्ड को। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये फ्रेंडली मैच है, अगर आपको यहाँ से हैज़ार्ड और रेबिक खेलते हुए दिखते हैं तो आपको जो नीचे के कैरमरिक और ट्रोसार्ड को निकाल के ये दोनों को पिक करना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये मेरी कुछ टीम की प्रीव्यू है। कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ से आपको होने वाले लुकाकू और वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले मॉड्रिक। ठीक है, तो ये मेरी प्रोबेबल फाइनल टीम है। बिफोर द लाइन ऑफ फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रोहित द हिटमैन सर्च करना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।